बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी ऑलरेडी फोकास्ट है 26 तक जो है मौसम में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, खासकर कश्मीर डिवीज़न में। और जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है वो कंटिन्यू रहेगा लगभग 26 जुलाई तक। और वहीं पे अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो लगभग 21-22 से ही बारिशें वहाँ पे एक बार फिर शुरू हुई है, और कल भी जो है वहाँ पे मॉडरेट टू हैवी बारिशें हुई अर्ली मॉर्निंग, और आज रात को भी जो है खासकर यहाँ वैली के कुछ एक जगहों पे ब्रीफ पीरियड के लिए लाइट रेन थंडर शावर, और जम्मू रीजन के अंदर भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें वो अमूमन रहने के चांस हैं। फिर 27th ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा करवट लेगा, यहाँ कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में तो ऑलरेडी बारिशें हो रही है, तो लगभग यहाँ पर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, इंटरमीटेंट ब्रीफ शावर्स, और वेदर जो है थोड़ा सा अबर आलूत रहने के चांसेस हैं। बीच बीच में थोड़ा सा सनी हो सकता है, और जो ऑनगोइंग ड्राई स्पेल है ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा राहत मिलने की खबर है, और लगभग 3 अगस्त तक बारिशें इंटरमीटेंटली यहाँ कश्मीर डिवीज़न में भी रहने के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पर हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पर दरमियान दर्जे की बारिशें, और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी बारिशें खासकर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। और गर्मी जो है जम्मू डिवीज़न के अंदर तो फिलहाल लगभग 33-34 के आसपास है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ कश्मीर डिवीज़न में भी टेम्परेचर्स ऑलरेडी 35.7 तक टच किया है। गर्मी रहेगा 26 तक, और उसके बाद जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी, खासकर जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर चल रहा है अभी उससे थोड़ी सी राहत ही था, और वार्मेस्ट जनवरी था पूरे कश्मीर डिवीज़न के अंदर, और बर्फ़बारी बिल्कुल ना के बराबर हुई। फिर फरवरी में थोड़ी सी बर्फ़बारी हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेफिसिट रहा। इसी तरह मार्च में भी इतना कुछ खास बारिशें बर्फ़बारी नहीं हुई, अप्रैल थोड़ा सा ठीक रहा यहाँ पे, और जून में भी डेफिसिट लगभग 35-40% के आसपास है, और जुलाई जो है अभी बिल्कुल बहुत ही डेफिसिट प्रेसिपिटेशन हुआ है खासकर कश्मीर डिवीज़न के हवाले से। तो जो जब भी ऐसे एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स चलते हैं खासकर जो पीक समर्स में, तो गर्मियां हमेशा बढ़ती हैं, और नदी नालों के अंदर भी ऑलरेडी जो डेफिसिट बारिशें बर्फ़बारी हुई खासकर विंटर के टाइम से, तो उसके कारण भी जो है नदी नालों में पानी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो कमिंग डेज में अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 1-2 दिन गर्मी रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, तो 27 के बाद जो है ग्रेजुअली थोड़ा वेदर में जो है तब्दीली आएगी, और लगभग 3 अगस्त तक मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब रहने के चांसेस है। बारिशें अमूमन रहेंगे और क्लाउडी रहने के भी चांस हैं, कोई कंटिन्यूस स्पेल नहीं है, बीच बीच में शावर्स होंगे, बीच बीच में थोड़ा सा क्लाउडी, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी ओवरऑल लोगों को। जी बिल्कुल, अभी गर्मी तो है वैसे भी, तो इसमें कोई शक नहीं है, तो थोड़ा सा पानी वगैरह फ्लूड वगैरह लें, और 1-2 दिन थोड़ा सा सब्र करें, उसके बाद इंशाल्लाह बारिशों के चांसेस लग रहे हैं।